वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन रिंस आउट के बारे में बात करने वाली हूँ। जो माउथ अल्सर्स होते हैं, मुँह के छाले होते हैं, जिसको एप्थल स्टमाटाइटिस भी बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छे से काम करते हैं। जहाँ भी आपके मुँह में छाले हो गए हों और उसमें से पेन हो रहा हो, रेडनेस दिखाई दे रही हो, मुँह से बदबू आती हो, इन सारी कंडीशन में दवा बहुत अच्छे से काम आती है। ये जो दवा होती है माउथ वॉश होता है, आपको ओरली यूज करना होता है। तो आज मैं इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। इस दवा को आप कौन से लक्षण मिलने पर यूज कर सकते हैं, किस तरीके से इसका उपयोग करना है, साथ ही साथ इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते, इसका कंपोजिशन क्या है, प्राइजिंग क्या है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं SBL कंपनी के रिंस आउट ड्रॉप्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है माउथ अल्सर्स यानी कि एप्थे और या फिर मुँह के छालों की कंडीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं सिर्फ रिंस आउट के बारे में बात करूंगी। अगर आपको माउथ अल्सर्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो उस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है कि माउथ अल्सर्स क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या होती हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर बात करें कि माउथ अल्सर जो होते हैं, तो मुंह में जो है छाले पड़ जाते हैं, जीभ पे छाले पड़ जाते हैं, जो रेड होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं, उनमें पेन होता है, कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, स्वेलिंग होती है, खाना पीना खाया नहीं जाता अच्छे से, कुछ भी आप खाते पीते तो लगता है, दर्द होता है और कई बार ब्रश भी अच्छे से नहीं कर पाते आप उसकी वजह से, तो इसकी वजह से मुँह से बदबू भी आने लगती है। तो ये सारे कुछ लक्षण होते हैं। कारणों की अगर ब्रीफ में बातें करें तो कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उस वजह से भी आपको डेवलप होते हैं, स्पेशली विटामिन B12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, उनकी कमी में माउथ अल्सर्स बहुत देखने को मिलते हैं। या फिर आप जो ब्रश यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, अच्छे से आप ब्रश नहीं करते, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपके दांत जो है अनइवन है, या फिर दांत का आपने कोई पोर्शन लूज कर दिया है, उसकी वजह से आपको बार बार माउथ में इंजरी होती रहती है। या फिर कई बार क्या होता है, हम खाते खाते अपने चीक्स को बाइट कर लेते हैं, बार बार ऐसी इंजरी होती है और वो फिर एप्थे में कन्वर्ट हो जाता है, माउथ अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनके यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा आपको अल्सर्स होते रहते हैं, रिकरेंट अल्सर्स होते रहते हैं, तो ये सारे कुछ कारण होते हैं। अभी जो मैं आपको ये रिंस आउट माउथ वॉश के बारे में बता रही हूँ, ये दवा बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें जो होम्योपैथिक दवाइयाँ इंक्लूडेड हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो इसको यूज करने से आपको बहुत जल्दी जो भी माउथ अल्सर से मुँह के छाले उसमें आराम मिलता है। ये दवा आप यूज कीजिए। इसके साथ साथ जो इंटरनल मेडिसिन मैंने बता रखी हैं अदर वीडियो में, उसमें से आप मेडिसिन यूज कीजिए। दोनों जब कॉम्बिनेशन में आप यूज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस दवा की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कैलेंडुला, इचिनेसिया और हेडरेस्टिस, ये तीन होम्योपैथिक दवाइयाँ मदर टिंचर फॉर्म में इंक्लूडेड हैं, जो बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। अगर यूज़ की बात करें कि इसको कैसे आपको उपयोग में लाना है, कैसे यूज करना है, 20 बूंदें अपने आधे कप पानी में ऐड करना है, उस पानी को अपने माउथ में होल्ड करके रखना है 30 से 40 सेकंड तक। ये प्रोसेस आपको एक सिटिंग में कम से कम 3 से 4 बार करना है और दिन भर में आप 5 से 6 सिटिंग कीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है और आपके अल्सर्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और आपको जो पेन हो रहा होता है स्पेशली खाना खाने के टाइम पे, वो भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। इस दवा को कोई भी यूज कर सकता है, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, स्पेशली अगर बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा है जो इस दवा को अंदर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको ओरली ही यूज करना होता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बहुत अच्छे से ये काम करती है माउथ अल्सर्स के केसेस में। प्राइजिंग की बात करें तो इसका जो 30 ml का पैक होता है वो 110 rupees का आता है, किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथिक स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बताई जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा।
मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।